अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन शोरबा बना रहे हैं, जिसके लिए हमें चिकन का मीट चाहिए आधा किलो, प्याज चॉप 2 अदद, टमाटर चॉप 2 अदद, कुकिंग ऑयल आधा कप, लहसुन 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून, हरा धनिया गार्निश के लिए योगर्ट आधा कप, नमक 2 टीस्पून या टू टेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, करी पाउडर 3 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। साबुत मसालों में हमें चाहिए हरी इलायची 3 अदद, लौंग 5 अदद, काली मिर्च साबुत 15 अदद। पैन हमारा गरम हो चुका है। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल डालना है आधा कप। साथ ही हमने प्याज डाल देने हैं बारीक चॉप किए हुए 2 अदद। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। आग को हमने मीडियम और हाई के दरमियान में रखना है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, ज्यादा डार्क नहीं करना। अब हमने इसमें लहसुन 1 टेबल स्पून, अदरक 1 टेबल स्पून डाल देना है। लहसुन और अदरक को मिक्स करेंगे। अब साथ ही हमने चिकन डाल देनी है आधा किलो। चिकन डालकर मिक्स करेंगे। चिकन को हमने 6-7 मिनट के लिए फ्राई करना है, थोड़ा चिकन का पानी खुश्क हो जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। चिकन को हमने 6-7 मिनट तक फ्राई कर लिया है थोड़ी तेज आग पर। अब इसका कलर चेंज हो गया है, चिकन का पानी थोड़ा ड्राई होने लगा है। अब हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं 2 अदद। टमाटर को हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही हमने दही डाल देना है आधा कप। दही को अच्छी तरह से फेंट लें। नमक डालेंगे 2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, करी पाउडर डालेंगे 3 टीस्पून, साबुत मसालों में हमें हरी इलायची चाहिए 3 अदद, लौंग चाहिए 5 अदद, साबुत काली मिर्चें चाहिए 15 अदद। ये सब डालकर हमने अच्छी तरह से चिकन को भून लेना है। आग को हमने थोड़ा तेज ही रखना है। सारी चिकन में मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब हम चिकन को भून लेते हैं। चिकन को हमने भून लिया है थोड़ी तेज आग पर। टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं। टमाटरों को हमने बहुत बारीक काटा था और प्याज को भी बहुत बारीक काटा था। अब इसका कुकिंग ऑयल थोड़ा अलग होने लग गया है। बहुत मज़ेदार चिकन का शोरबा तैयार होता है और बहुत जल्दी। चिकन को हमने थोड़ा तेज आग पर ही भूना है। अब तेल इसका अलहदा होने लग गया है, कुकिंग ऑयल। अब हमने इसमें पानी शामिल कर देना है 4 कप, या पानी आप अपनी मर्जी से जितना भी शोरबा रखना चाहते हैं उतना ही डाल दें। पानी डालकर इसको मिक्स कर देंगे।
अब हमने आग को मीडियम करके इस पे ढकना लगा देना है 15 मिनट से 20 मिनट तक, जब तक चिकन जो है ये गल जाए तब तक पकाएंगे। चिकन को हमने थोड़ी तेज आग पर 20 से 25 मिनट तक पका लिया है। चिकन हमारी गल चुकी है, अब आप देख लें आपने कितना शोरबा रखना है। अब हमने इस पे गरम मसाला डाल देना है और साथ ही हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया डालकर इस पर हमने ढकना लगा देना है 4 से 5 मिनट के लिए। उससे ये कि शोरबे में फ्लेवर जो है ये बहुत अच्छा आता है धनिया और गरम मसाले का। गरम मसाला और हरा धनिया डालकर 5 मिनट तक हमने शोरबे को पका लिया है। अब आप इसमें नमक चेक कर लें। बहुत चटपटा मज़ेदार शोरबा तैयार है। चिकन का शोरबा तैयार है, अब आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।